वेलकम टू फ्यूचर यार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के काफ़ी कमेंट आते हैं, काफ़ी मुझे फ़ोन आते हैं भी आरी के ऊपर वीडियो बनाओ, भी आरी का हैंडल कैसे लगता है। तो दोस्तों ये मैं आरी के हैंडल के लिए कुछ आपके लिए डिज़ाइन लेके आऊँ। एक डिज़ाइन ये है आरी के हैंडल का, तो एक डिज़ाइन ये है आरी के हैंडल का, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये आपने दोनों मशीनें जो उनसी जेट कंपनी की देख रहे हैं, इसमें हमने वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। और अब मैं इनके हैंडल जो उनसे बनाऊंगा, मैं सागवान की लकड़ के बनाऊंगा, जो उनसी सीपी टीक जिसको हम बोलते हैं, घाना नहीं बोलते, एप्रिकोस नहीं बोलते, जिसको सीपी बोलते हैं, नागपुर टीक हम बोलते हैं। ये देखिए ये लकड़े हैं, ये पहले हम क्या करेंगे, एक जैसी मोटाई इसकी गेज में से निकालेंगे, उसके बाद इसके ऊपर फेविकोल के साथ इसको प्रेस करेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। दोस्तों हम सबसे पहले वुड के ऊपर क्या करेंगे, ऊपर से प्लेनर पे रंधा मारेंगे इसको, फिर हम इसको गेज में से निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब हम इसको गेज में से निकालेंगे। दोस्तों ये हमने गेज में निकाल दिया, हमने 7 इंची के करीब मोटा रखा। अब क्या करेंगे, जो सी हमने ड्रेंगे हमारी हैंडल की, वो हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे फेविकोल के जरिए। दोस्तों ये हमने पेस्ट कर दिया फेविकोल के साथ, क्योंकि इसको 7-8 घंटे चाहिए, कल हम इसको नेक्स्ट डे में हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों हम दूसरे पीस की कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों दोनों पीसों की कटिंग हो चुकी है हमारी, अब थोड़ी सी इनमें फिनिशिंग करेंगे, रेती वगैरह जो लगाना होगा। ये दोनों पीस आपके सामने हैं दोस्तों, ये आरी के फन्नर हैं, ये देखो मेड इन स्वीडन के हैं, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मिले, क्योंकि ये चौरस पत्ते वाली ना आरी ये मिलती नहीं है आजकल, क्योंकि धक्का लगा इसके लिए हमने इसके लिए ये वाले हैंडल बनाए हैं। ये देखिए आप देखिए, जो से बाहर की कंट्री की आरी हैं उनमें क्या होता है, दांते ना उल्टी तरफ होते हैं, जैसे हमारे में तो इधर की तरफ ये टीथ हो गए, उनके में इधर की तरफ हो गए। अब हम क्या करेंगे, नहीं तो मुझे फिर दोबारा दांत निकालने पड़ेंगे, मैं क्या करूँगा इसको इधर की तरफ करेंगे, इधर की तरफ करेंगे, तो हैंडल मैं लगाऊंगा इधर की तरफ, और हैंडल इधर की तरफ लगाने के बाद, ये आरी थोड़ी सी लंबी है और ये मैंने ब्रास के तैयार कराए हैं, हम क्या करेंगे इसके पीछे ये ऐसे लगाएंगे ब्रास के, जैसे आपने देखा होगा स्टेनली की आरी कम से कम 4-4.5 हज़ार की है, ये हम ऐसे इसको फिट करेंगे दोस्तों, इस तरीके से करेंगे हम।
दोस्तों ये देखिए फिनिशिंग बड़ी ज़बरदस्त आई है हैंडल की। अगर यही हम यही काम हम हाथ से करते तो इतनी फिनिशिंग नहीं आनी थी, तो टाइम काफ़ी लगना था। ये देखिए दोस्तों दोनों हैंडलों के डिजाइनिंग में फ़र्क है। ये देखिए ये इसके साथ हमने जोड़ा हुआ साथ में, ठीक है, ये वजह से सारा वन पीस में हैंडल है और ये भी सारा वन पीस में। ये टीक वुड में, जैसे इंडियन टीक वुड होता है जिसको हम सीपी बोलते हैं, ये उस चीज़ का है, ठीक है। अब हम इस वाले को करेंगे, ये हमारा कम्प्लीट हो गया, बाकी हम इसको उतार के फिर फाइनल करेंगे। हल्का हल्का जहाँ भी रेगमेल वगैरह लगना होगा तो इसको अब हम करेंगे। दोस्तों रूटर की मदद से हमने इसके कोने गोल कर लिए जो उनसे हमारे शार्प थे। अब क्या करेंगे, हमने इसको सेंडिंग कौन से पेपर करनी है, 320 नंबर से कर सकते हो या 100 नंबर से आप कर, पहले आपने क्या करना 100 नंबर से करनी है, उसके बाद 320 से करनी है। वाटर प्रूफ रेगमाला, ये देखिए ये पेपर है 3M का पेपर है। इसके बाद क्या करना, हमने इस पीस को ऐसे रख के इसको ऐसे इस जिस तरीके से इसके ग्रेन है, जिस तरीके से इसके ग्रेन है, इसके ग्रेन ऐसे हैं, तो आपने ये नहीं कि ऐसे ऐसे इसको रगड़ना क्योंकि उल्टा हो जाएगा। इसके ग्रेन ऐसे हैं तो इसको हमने ऐसे ऐसे मूव करना है इसके ऊपर। ये देखिए मैं अब करूँगा, इसको धीरे धीरे आपने मूव करना है और बिल्कुल प्लेन जगह होनी चाहिए। या आप ग्लास का पीस भी रख सकते हो या फिर ऐसे बोर्ड का पीस हो। ठीक है, ये देखिए अब क्या करें, हम क्या करेंगे, आ रही है अपने हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास पेपर है, हमने पहले डिजाइनिंग कर ली थी, ये मेरे लड़के ने कर दी थी कंप्यूटर पर डिजाइनिंग, जैसे हमने ये की है खुद। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हमारी ये ऐसे आ रही है, जितनी हमारी पीछे से आ रही की कटिंग होगी टेपर में तो उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए तो हम हत्था ये हमारी आ रही यहाँ आएगी, इसके ऊपर ब्रास की पत्ती आएगी। ये ब्रास की पत्ती इसलिए लगाते हैं, जैसे हम चूल के मोल्डिंग वगैरह के, जैसे मोल्डिंग वगैरह काटते हैं तो उसमें क्या होती है, ऐसी 3 इंच की मोल्डिंग वगैरह काटते हैं उसमें आ रही है, जंप नहीं करती, यानी बिल्कुल स्ट्रेट रहती, बिल्कुल सीधी रहती है, तो इसलिए ये पत्ती होती है ब्रास की। जैसे आपने बढ़ांगा वगैरह करना है, चूलों का बढ़ांगा करते हैं, चूल इससे चीरी नहीं जाती क्योंकि यहाँ के आगे स्टॉप हो जाएगी। छोटी मोटी तो चीर सकते हैं, 1.5-2 इंची थी, ज़्यादा नहीं चीर सकते पल्लव वगैरह की, यह बढ़ांगे के काम आती है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब इसके अंदर हम ये पत्ता फिट करेंगे, वो आप ध्यान से देखना कैसे करेंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, ये मार्किंग थोड़ी लंबी खींच लेंगे क्योंकि जिसके ऊपर हम आरी रखेंगे ये हमारी ब्रास की पत्ती है, क्योंकि इसके अंदर भी जाएगी तो हमने क्या करना है, इस हिसाब से आरी रख लेनी है। ये देखो हमारी ब्रास की पत्ती भी आएगी तो इस हिसाब से आरी ये हम इसके साथ मिला देंगे। ये देखिए ये हमारी मिल गई, ये हमारी मिल गई यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी मिल चुका है तो हम ब्रास की पत्ती को निकाल देंगे। तो हमारी जो आरी की ये आरी की कटिंग आएगी, ये यहाँ से हमारी आरी की कटिंग होगी। ये देखिए हम क्या करेंगे, इसकी मदद से बिल्कुल सीधी काट देंगे, ठीक है। या आप कैंची के साथ भी काट सकते हो, या तो आप ग्राइंडर के साथ भी, या टकोरे के साथ निशान लगा के भी आप काट सकते हो, ठीक है। बड़ी फिनिशिंग से कट गई है, ये हमारी आरी यहाँ आएगी, ये देखिए ये हमारी आरी आएगी, ठीक है। हल्का सा हम कोना इसका गोल कर लेंगे, अगर जरूरत है तो कर लेंगे, और बाकी इसकी लंबाई ये है, हम यहाँ से इसकी लंबाई भी कट देंगे, ठीक है। ये हम बाद में भी काट लेंगे फिट करके। चलो ये होगी, अब इसी तरीके से हम दूसरी आरी की भी काटेंगे। दोस्तों इसको जैसे हमने चीर देना है, हमने जैसे अंदर आरी घुसानी है, तो आपने इस पर रख के ये मार्किंग कर लेनी है, इधर से निशान खींच लेना, क्योंकि ये ना कि चीरा अब आगे चले। उसके बाद जिस टाइम हमने चीरा देना है तो हम इसका सेंटर कर लेंगे, ठीक है ना, जितना भी हमारा आएगा सेंटर में हम इसकी खींच घुमा लेंगे, उसके बाद फिर हम आरी चला देंगे जहाँ तक हमारा निशान लगा हुआ है, ठीक है। दोस्तों अब क्या करेंगे, आरी की मदद से हम इसको चीर देंगे। चीर कहाँ तक देना है, यहाँ तक हमने निशान लगा लिया, उससे नीचे भी नहीं जाना चाहिए इधर से, ठीक है। अब हम आरी की मदद से इसको बड़े प्यार प्यार से सेंटर में चीर देंगे। ये देखिए अब हमने इसको चीर दे दिया है, तो इस तरीके से हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे डालेंगे, ठीक है। ये देखिए ये आरी हमारी नीचे आएगी क्योंकि इसके ऊपर अभी ब्रास की वो भी आएगी, पत्ती भी आएगी, ठीक है, इस तरीके से हमारी बनेगी। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली को भी देंगे चीर। दोस्तों अब क्या करना है, ब्रास के इसके हैंडल के ऊपर हमने ब्रास की स्ट्रिप लगानी है, पत्ती लगानी है जो उसकी आरी के ऊपर हेड पर आएगी। तो हमने क्या करना है, ये इसकी जितनी जरी है ये देखिए इसका सेंटर कर लेना,
कैसे सेंटर, और ये भी ऐसे करके निशान लगा लेंगे क्योंकि ये हमारे ऊपर से प्रॉपर बराबर आएगी। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और अपनी खीस की खीस बांध लेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा ये आ गया, सेंटर आ गया, ये हमारा ये आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको खीस बांध लेंगे ऐसे। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो जी हमारी ये पीतल की ये पत्ती थी ये हमारी पूरी आ चुकी है, इसके अंदर फिट हो गई है। ये देखिए, ये आपने ज़्यादा लूज नहीं करनी, बड़े आराम से देना, क्योंकि इसकी रग होती टूटने का डर होता, बहुत आराम से आपने करना तीखी चोरसी करके, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर हम ना स्टील के मेल और फीमेल वाले लगाएंगे, जिससे हम 1.5 इंची का 19-19 mm के बोर्ड अलमारियों में ज्वाइंट करते हैं, ये वही वाला है, मेल और फीमेल वाला। हम जा तो किसी कील के साथ इसको हल्का सा पंच कर लेंगे, अब हल्का सा इसमें पंच मारेंगे। ये हमारे दोस्तों ऊपर से भी फिनिशिंग आ गई है, ये भी आ गया है, अभी हम यहाँ से भी इसकी कटिंग करेंगे, ये हमारी तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये पत्ती हमने बिठा दी है, अब के आगे से हम जितनी भी फालतू आ रही है हम इसको राइट एंगल में काट देंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे और ये अपनी कटिंग कर देंगे। दोस्तों ये हमने पत्ते आगे से काट दिए दोनों के, और ये हमारी पूरी फिनिशिंग हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम इसका ये सा हैंडल है इसको पॉलिश करेंगे, बिल्कुल नेचुरल कलर में करेंगे। दोस्तों अब हम हैंडल को फाइनल टच देंगे, जो हमारे पास लिनसिन ऑयल है तो हम इसको लगाएंगे। ये देखिए इसका क्या करना है, बड़ी देखो जब हम लगाएंगे इसमें फिनिशिंग कितनी अच्छी आएगी, ये देखिए आप। ये देखिए दोस्तों दोनों में कितना अंतर आ गया, अभी इसमें 3-3, 4-4 कोट हाथ लगेंगे, क्योंकि कटाई करके फिर लगेगा, फिर धूप में रख देंगे इसको। दोस्तों अब हम इससे कटिंग करके देखेंगे कैसे चल रही है, क्योंकि मैंने बेंच बिल्कुल हल्की हल्की लगाई है, क्योंकि मुझे मोल्डिंग का काम ज़्यादा रहता है, तो मैंने उसी हिसाब से लगाई है। ये दोनों पीस हमारे रेडी हैं। ये बाद में हमने क्या किया, इसको हल्का सा स्कंजी में लेके टाइट कर दिया, ठीक है। अगर ये सारा फोल्डिंग है, जैसे धार वगैरह लगानी हो तो आप ये सारा फोल्डिंग निकल सकता है आपका, ये वो तो आपको पता ही है, क्योंकि ये मेल फीमेल वाले स्क्रू हमने इसके अंदर लगाए हैं। तो इस तरीके से आप लोग भाई तैयार कर सकते हो इसको। दोस्तों काफ़ी आप लोगों के कमेंट आते थे, भैया हमें ये जापान का USA के ही हमें टूल दिखाते हैं, ये मैंने खुद बनाई है, आप लोगों ने देखा भी, पूरी मैंने इसकी वीडियो डाली है। कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़, क्योंकि हर एक वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है बनाने। इसमें भी आप देख लेना, मैंने वीडियो बनाई, पता नहीं मेरी कितनी वर्दियाँ इसके अंदर चेंज हो गई है, कभी मुझे 1 घंटा काम करने को मिला, क्योंकि साइड पर मैं ज़्यादा बिजी था, क्योंकि कभी 2 घंटे इसमें लगे, कभी आधा घंटा काम किया, कभी आधा फिर छोड़ दिया। तो इस तरीके से वीडियो बनती है दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा आपने लाइक करनी और कमेंट जरूर किया करो, जैसा मर्जी आपने कमेंट करना, ठीक है। ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कई भाइयों ने क्या कर रखा है, वीडियो देख लेते हैं, उन्होंने क्या कर रहा है, अपना सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रखा है, प्लीज़ उनसे मेरी गुजारिश है सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, ऑल का बटन दबाएँ, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी।